गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ज्योग्राफी फॉर क्लास 6, 7, 8, 9, 10। सभी के लिए जो है और टॉपिक जो है वो जो है प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो प्लैनेट मीन्स क्या होता है, जो आप लोग जानते हैं ग्रह है? तो पृथ्वी जो है एक ग्रह है। सो यू नो साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ ऑन अर्थ बिगेन अबाउट 3500 मिलियंस ईयर्स एगो। यानी कि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर जो जीव की उत्पत्ति है लगभग 3500 मिलियंस वर्ष पूर्व हुई है। तो देन हाउ ओल्ड इज अर्थ, तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है? नो वन कैन टेल द एग्जैक्ट टाइम इट इज बर्थ। ये जो है कोई नहीं कह सकता है, बट इट बिलीव दैट आवर प्लैनेट ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम विच बिगैन अबाउट 45 मिलियन ईयर्स एगो। एंड यू नो आवर अर्थ इज ओनली द प्लैनेट इन सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। हमारी जो पृथ्वी है यही एक ग्रह ऐसा है जहां पर जीव जो है उपलब्ध है। एंड दिस इज बिकॉज इट्स फेवरेबल टेम्परेचर एंड अदर कंडीशन। ये क्यों है? उसके योग्य जो तापमान और बाकी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां जो है, जैसे हवा है, पानी है, हैं, इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर जो है जीव सृष्टि जो है पॉसिबल है। एंड एनी सिन टाइम पीपुल थॉट द अर्थ इज फ्लैट इन शेप। पहले के समय एनी सिन टाइम पीपुल थॉट, क्या सोचते थे कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? फ्लैट, फ्लैट मीन्स समतल, ठीक है। बट कोपरनिकस डिक्लेयर द अर्थ इज स्फीयर इन शेप। यानी कि पृथ्वी जो है क्या है, कोपरनिकस ने क्या बताया, स्फीयर यानी कि गोल। पृथ्वी जो है गोलाकार, स्फेरिकल शेप। सो सेकंड, यू नो प्लैनेट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। पृथ्वी जो है वो सूर्य के आसपास क्या करती है, परिक्रमा करती है। इट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज, ठीक है, 365 दिन, यानी कि एक साल की लमसम जो है वो सूर्य का एक परिक्रमा जो है करती है। सेकंड, द प्रेजेंस ऑफ लैंड एंड एयर एंड वॉटर ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ क्या दिखाता है, ए यूनिक पोजिशन। पृथ्वी जो है यूनिक पोजिशन मीन्स एक अलग विशिष्ट, जहां पर लैंड है, एयर है एंड वॉटर, एंड वॉटर ऑक्यूपाइज 71% ऑन द टोटल सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि पृथ्वी का 71% क्या है, पानी है।
हैं, और बाकी भाग में जो है क्या है, जमीन है। एंड व्हेन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मींस क्या होता है, एस्ट्रोनॉट मींस अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रो नट मींस क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री। व्हेन एस्ट्रोनॉट्स शो द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस इट लुक्ड ब्लू कलर इट एंड प्रेजेंस ऑफ वॉटर ऑन अर्थ। और उसने क्या देखा, ऊपर से जो है आउटर स्पेस से देखा तो पूरी जो पृथ्वी जो थी वो क्या थी, जलमग्न। इसलिए वो कैसी दिखती थी, ब्लू है। सो अर्थ इज आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट में ग्रह, ब्लू ग्रह भी कहा जाता है। सेकंड यहां पर हम देखेंगे के फॉलोइंग एस्ट्रोनॉट फॉलोइंग फैक्टर एंड रीजन टू प्रूव द अर्थ इज यूनिक प्लैनेट, यूनिक प्लैनेट, यानी कि कई कारण हम आपको एग्जांपल देंगे कि पृथ्वी जो है वो एक अलग है, बाकी जो ग्रह हैं, बाकी जो सेवन ग्रह हैं उससे क्या है, पृथ्वी जो है अलग है। यू नो इन साइज इट रैंक फिफ्थ आफ्टर जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून। इसके बाद पांचवा जो नंबर है वो हमारी पृथ्वी का है, हैं रैंक में। एंड सेकंड नाउ जो फैक्टर है वो हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी जो है इसको जो है यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन रिजल्ट इन क्लाइमेट बेस्ट सिचुएटेड फॉर डेवलपमेंट मैन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी डिस्टेंस जो है ड्यू टू इट, ये क्या बताता है, द अर्थ नाइदर टू हॉट लाइक मर्क्यूरी, पृथ्वी जो है मर्क्यूरी है, जो मर्क्यूरी ग्रह है उससे, मर्क्यूरी जो ग्रह है उस पर इतनी गर्मी है कि जहां पर जाने से आदमी जो है जल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मर्क्यूरी से कम जो गर्मी होट है हमारे पृथ्वी पर है। एंड नॉट टू कोल्ड नेपच्यून, नेपच्यून जो है उससे कम ठंडा, यानी कि जैसे हम नेपच्यून पर, अगर नेपच्यून प्लैनेट पे ग्रह पे जाएंगे तो वहां पे जाने से क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए बर्फ, बर्फ की सिल्ली बन सकते हैं, इसलिए वहां पर भी जीव जो है क्या है, संभव नहीं है। सेकंड दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर इट्स एटमोस्फेयर रिच इन ऑक्सीजन मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। एंड सेकंड वाटर, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड ऑन दिस प्लैनेट लिक्विड वाटर वास्ट क्वांटिटी ऑक्यूरेंस, यानी कि हमारी पृथ्वी पर है अधिक मात्रा में पानी जो क्या है जीवन के लिए जरूरी है, वो जो है उपलब्ध है। सो विच क्वाइट सुटेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए पानी जो है वो क्या है, जरूरी है। सेकंड अब हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी जो है फॉलोइंग अरेंजमेंट प्रूव दैट अर्थ इज स्फीयर इन शेप, पृथ्वी जो है गोल है। इसका रीजन हम आपको बता देते हैं, फर्स्ट जो है पहला रीजन हम आपको बताते हैं कि क्यों है। तो सेलर, सेलर मीन्स क्या होता है, नाविक है, लाइक मैगलन दो नाविक थे एंड सेकंड ड्रेक है हु सेल्ड ऑल राउंड द वर्ल्ड, उन्होंने जो है पूरी दुनिया की यात्रा की है। स्टार्ट
started one point on the cell और उसने कहा सेम डायरेक्शन और एक ही दिशा में निकले दोनों पूरी दुनिया की यात्रा पे जो है एक ही दिशा में निकले एंड लास्ट दे रीच्ड सेम स्पॉट यानी कि एक ही स्थान पे पहुंचे यानी कि ये बताता है कि पृथ्वी जो है क्या है गोल है एंड इफ द अर्थ हैव बीन फ्लैट अगर पृथ्वी जो है फ्लैट रहती तो क्या होता है पृथ्वी जो है फ्लैट अगर रहे तो क्या होगा दे वुड हैव बीन रीच्ड सम अप्रोप्रिएट एज यानी कि आसमान अलग अलग जगह पे पहुंचेंगे एक जगह नहीं पहुंचेंगे क्यों अगर पृथ्वी अगर फ्लैट रहेगी तो सेकंड रीजन आपको बताते हैं कि पृथ्वी जो है स्फीयर क्यों है द पिक्चर ऑफ द अर्थ एज टेकन बाय डिफरेंट एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष यात्री जो है हैं उन्होंने क्या लिया चित्र लिया कहां से फ्रॉम द आउटर स्पेस फ्रॉम द आउटर स्पेस दे सो द अर्थ इज स्फीयर इन साइज तो उन्होंने भी देखा कि पृथ्वी जो है क्या है गोल है ठीक है तो यहां पर हमने आपको बताया है सेकंड आप हम लोग जो है विल बी टुमारो नेक्स्ट पीरियड हम लोग देखेंगे यूनिवर्स के बारे में एंड द अदर्स स्टार के बारे में थैंक यू